अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज है ना हमारा पहला पेपर है मिड का, और सारी रात पढ़ा कख भी नहीं है, गेम खेली है, कुछ नहीं आता है कोई मिड का। हमने कहा 8 बजे पेपर है, तो अभी नाश्ते के लिए ऑर्डर दिया है, नाश्ता बन रहा है। इसका 8 बजे पेपर है और मेरा है पेपर है 11 बजे, तो मैं थोड़ा लेट जाऊँगा। दुआ करना हो जाए, क्योंकि आती जाती कोई चीज़ नहीं है। आज पहला मिड है, लगातार बैक टू बैक 6 मिड होने हैं और फिर जाना ख़त्म। बैक टू बैक 6 लगातार मिड होने हैं, उसके बाद फिर अजाब ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा फाइनल का अजाब। तो कुछ दिन हो गए, हमारी वैसे रूटीन बन गई है कि यार सुबह नाश्ता करना है, नाश्ता नाश्ता करके। तो अभी बस पेपर इसका स्टार्ट होना है 8 बजे, तो इसने 7 वाला पॉइंट लेना है। तो हमने सोचा चलो नाश्ता कर लें, नाश्ता करके फिर मैं भी अपना को जाकर दो लफ्ज़ को स्लाइड देखूँगा, शायद कुछ ना कुछ जहन में आ जाए तो जाकर वहाँ पर लिख दें। मुझे नहीं लगता कुछ वहाँ पर जाके लिखेंगे, हम नकल ही मार दें, नकल पर हमारे एन सारा फुल नकल पर। हेलो ऑर्डर दे दिया इतने सारे, इन्हें सारे सिर्फ साढ़े 4 पराठे ही होने ने। यार अभी तैयार श्यार होकर निकलना है आज, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो गया, हमारे पहला पेपर है आज। तो दुआ कीजिएगा कुछ ना कुछ हो जाए, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अभी जाते पॉइंट की तरफ यार, चीज़ें पूरे कर रहे थे, ये दो अभी न्यू लिया मैंने, तो इस सेमेस्टर रजिस्टर भी नहीं लिया ना यार। इस सेमेस्टर तो मैंने कोई रजिस्टर तक नहीं लिया, विदाउट रजिस्टर पूरा सेमेस्टर निकाल दिया। अब ये 2 पेंसिल नहीं है, पेपर छूने में आधा घंटा है अभी। इंतजार ओए शाह आ लें, फिर भी फर्क थोड़ा ही। यार पेपर हो गया सारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, अमीर से बाहर हो गया, मतलब इतना नहीं था कि हाँ इतना अच्छा होगा, लेकिन फिर भी ठीक हो गया मेरा पेपर ना। नान भाई तेरा पेपर हैं, मेरे मुंह से गाल आ चली सी। क्यों दा पेपर है, मैं समझ सकता है गाल दी तेरे मुंह गाल निकली ना, मैं समझ सकता है क्यों दा पेपर होया होगा। बाकी यार अभी चलते हैं बिरयानी खाने, काफी दिन हो गए बिरयानी नहीं खाई। पेपर तो सारे हक लाल दे होने ने, क्यों आप ही लिखे सारा यार इस पेपर में, इसको ना रोल नंबर वाइज बिठा के एक एक जगह छोड़ के बिठाया, कह रहा है ये नंबर आएंगे ना हलाल आएंगे। वो प्रिंस वन ओदा सीगा टाइटल। अच्छा मैं क्या प्रिंस वन दे बारे डिस्क्राइब करो, प्रिंस वन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट ऐसा करके सीगा, सवाल भी नहीं मेनू ते हुंदा। मैं कह जेड़े प्रिंसा दे संबंध च मैनेजमेंट हुंदी सीगी ना, ओनु प्रिंस वन मैनेजमेंट कहिदा। आन लुंडिका छड़ के आ करा दी कसमे, नजर किसे दा कुछ हुंदा नहीं सी पिया। आ गई मैं सिंह, यार ये बंदा जाते हुए नाश्ता करके चला गया था बिरयानी का ना, तो अभी इससे पूछा कहना मैंने नहीं खानी, तो मैंने अपनी बिरयानी ऑर्डर कर दी है। बाकी सिंह से भी नहीं है, वो भी आ रही है। और अभी खा खुली है, जो खाना था फ्री है तकरीबन ना। तो सुबह जिस बुक का पेपर है ना उसकी 3 स्लाइड्स हैं बस, छोटी सी स्लाइड है, वो रात को ही पढ़ेंगे। अभी जाके नींद पूरी करते क्योंकि रात को सोए नहीं थे, तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है अब। तो चलते हैं अभी रूम में, आपको सिर्फ बताते हैं जो हमारे हॉस्टल में आके चल रहा है। हमारे हॉस्टल में हो रही है चोरियाँ, जो हमारे वार्डन है उन्होंने हमारे हॉस्टल को बनाया दरबार। ये देखे ब्राय मेहरबानी आवाज़ नीचे देखे साथ हॉस्टल है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गैर मुतलका अफराद का हॉस्टल में आना मना है। ऐ भी देखो ये देखे, ये रात 12 बजे हॉस्टल बंद हो जाएगा। ये देखे आपको आगे के बताते हैं दिखाते हैं, और कितना कितना ये लगा हुआ है उसने अपने रूम में। ये देखें डॉक्टर साहब, किसी भी शिकायत की जरूरत में डॉक्टर साहब शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक रब्ता कर सकते हैं, ये नंबर है उसका, रब्ता कर सकते हैं आप, तंग करना तो भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे लगे पंपलेट, ये देखें फिल्टर शुदा पानी ज़ाया मत करें, आप ये ना करें आप वो ना करें, इतना कुछ लगाया है उसने। तो यार दोपहर को ना खाना खा के सो गया था, तो अभी उठाऊँ अब टाइम देख लें हो रहे हैं मेरे ख्याल से 2:36 हो गए हैं, 2:30 हो गए हैं, अब लग रही है भूख। हनान को मैंने पूछा, वो सो रहा था, कह रहा मैंने कुछ नहीं खाना, तो मैं अकेले अब कुछ ना कुछ खाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं खाया, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उसके बाद जाके पढ़ते हैं, कल को जो पेपर है ना उसकी 3 स्लाइड्स हैं, वो इजीली हो जाएगी, जाके पढ़ना भी है तो। लेकिन फ़िलहाल भूख लगी, पहला काम हमारा भूख को मिटाना है, वो करते हैं जाके। बस दुआ है वहाँ पर जो है ना शॉर्मे वाली हमारी फेवरेट, वो बंद ना हो, अगर वो बंद हुआ तो फिर यहाँ इनका बेकार सा खाना पड़ेगा, जो बाद में वो पेट ख़राब करता है, हज़म नहीं होता। तो बस दुआ है वो बंद ना हो। वैसे यार मैं शुक्र मेरा लगा रहा था, कुछ आता नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, बट जो ये पेपर्स के दिन होते हैं ना उन दिनों में ज़िंदगी अजाब हो जाती है, आपको दिन रात पढ़ना पड़ता है। यूनिवर्सिटी का ये है कि आप मतलब सारा सेमेस्टर अगर आपने कुछ नहीं ना पढ़ा,
ये जो आखिरी दिन है इनमें कोई वीडियोस देख के कोई स्लाइड्स वगैरह पढ़ के कोई सिलेबस थोड़ा शॉर्ट होता है तो आप इजीली कवर कर सकते हैं, तो वही कर रहा हूँ मैं। मतलब स्लाइड वगैरह पढ़ ली, कोई वीडियो देख ली, को थोड़ा बहुत किसी से समझ लिया तो जहन में बैठ जाए ना, तो लिखना तो अलहमदिल्ला वैसे ही बड़ा आता है, फिल्में तो हम वैसे बड़ी अच्छी छोड़ लेते हैं तो वो इजीली कवर हो जाता है। तो आज का पेपर जो पहला था वो अलहमदिल्ला बहुत अच्छा हो गया, बाकी अब दुआ है कि सुबह का पेपर भी बहुत अच्छा हो। ले जी आ गया हमारा बर्गर, माए लेते हैं हमारा बर्गर रोस्टिंग आ गई है, अब इसको थोड़ा पाड़ते हैं, पाड़ चीर देते हैं इसको। माए लेने गया है, माए के बगैर खाने का मज़ा नहीं आता यार ना, वो फोका सा लगता है थोड़ा। अभी माए के साथ ये इंजॉय करेंगे। चेक करें पाकिस्तान की लोकल एनर्जी ड्रिंक, लोग रेड बुल पीते हैं, जो मज़ा स्टिंग का है ना वो कहीं पे भी नहीं है, स्टिंग का अपना ही मज़ा है कि यार। लो यार खाना शाना सारा डन हो गया, बह माइंड बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कोई नींद नहीं सवार सर पे, कुछ भी नहीं है, बस अब जाके अल्लाह खैर करे तीन स्लाइड है वो जल्दी से कवर करनी है, कवर करके आज के पेपर से जान छुड़ानी है, सुबह हो जाएगा फिर। यार पेपर की वजह से ना एक बहुत बड़ा मसला हमारा ये पैदा हुआ है कि यार मानी के दो भाइयों की थी शादी, उसके दो भाइयों की शादी थी 11 से लेके 15 तक, तो अब सीन ये हुआ कि नाम शादी पे जा सके हैं इन पेपर्स के, इन पेपर्स की वजह से ना हम शादी पे भी नहीं जा सके। उस बंदे का उसने तो चलो अपना मेडिकल, उसका तो एक जेनरल रीज़न था कि हाँ उसके भाई की शादी, उसने अपना मेडिकल बनवा के साइन वगैरह करवा के वो मिड का करवा ली थी, हमारा हुआ नहीं। तो अब वही है कि अब बस मानी की शादी पे ही जाना पड़ेगा, उसके भाइयों की शादी तो हमसे हो गई है मिस। 11 को कल मेहंदी थी उसकी, आज मेरे ख्याल से बारात है, तो दो भाइयों की शादी है, 15 को वलीमा है, तो पेपर हमारे ख़त्म होने 16 को, यार कम से कम चलो 14 को 15 को ही ख़त्म कर देते पेपर, सुबह जाके हम वलीमा तो अटेंड कर लेते, लेकिन वो भी अब अटेंड नहीं होना। मैं अगले दिन जाऊंगा हनान का, 15 को ख़त्म होने, वो शाम को जाके खाना खा सकता है वो शाम को जाके, लेकिन वलीमा अटेंड नहीं कर सकता है। तो बाकी अभी जाके पढ़ते हैं, कुछ तीन स्लाइड हैं वो जल्दी से मेंट मार के कवर करनी है, जान छुड़वानी है सिलेबस से, और फिर अगले पेपर की तैयारी करेंगे। अल्लाह खैर करे यार, बस हाय वे इतनी दूर से आए हैं, कुछ ना कुछ पढ़ के कुछ ना कुछ हासिल करके ही जाएंगे यहाँ से। यार मैं अभी हॉस्टल आया हूँ, आके मैंने ना के सोचा कि यार तीन स्लाइड थी तो मैं वो इजीली कर लूंगा, तो मैंने अब्दुल्ला को पूछा, अब्दुल्ला और हम दोनों के टीचर सेम है तो उसने ना प्रिंट्स वगैरह निकाले थे, तो मैंने सोचा यार उससे मांगते हैं प्रिंट, उससे कोई ऊपर से देख पड़ता हूँ मोबाइल से, क्योंकि नहीं पढ़ा जाता वो मोबाइल में, कोई एप्लीकेशन यूज करना बंदा शुरू हो जाता है, तो मैंने इसलिए जी भाई अपना शुरू कर दिया पढ़ना। और मैंने उससे पूछा कि यार प्रिंट दिखाना, उसने ये मुझे प्रिंट दिखाया ना वो ये देखे, ये पूरी बुक ही पकड़ा दी कि भाई ये कर ये वाला। तो अभी इसमें से हमने जो करना है वो हमने मेन करना है जिससे हमारा कवर हो जाए, बाकी क्योंकि वैसे भी मेन चलिए यूनिवर्सिटी में गो ग्रीन पाकिस्तान, तो 3 से 4 पेज देते हैं आंसर के लिए, तो उसी पे कवर करना, तो इस पे इतने पेज इतना तो कवर नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बाकी यार अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्लॉग यहीं कर रहे हैं एंड, और दुआ लाजमी कीजिएगा हम लोगों के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।